ठीक है भैया, ये ठीक है। ऑटोमेटिक भी रिजर्वेशन होता है और मैनुअल भी होता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक होगा तो आपका यहाँ पे ग्रीन जलेगा रनिंग में, तो आपका रिजर्वेशन हो रहा है। और मैनुअल होगा तो यहाँ पे आपका सिग्नल आएगा, ये यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे येलो येलो दो आएगा सिग्नल। उसका बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप गाड़ी को साइड में कीजिएगा पहले, ठीक है। साइड में करने के बाद पहले हैंड ब्रेक दीजिएगा, उसका बाद से न्यूट्रल, उसके बाद से सीट बेल्ट लगा के रजिस्ट्रेशन यहाँ से, ये यहाँ पे बटन है, यहाँ पे ये बटन 3 सेकेंड ये 4 सेकेंड ऊपर रखिएगा, उसका बाद से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। एक्सीलरेटर क्लच कुछ दबना नहीं है, ऐसे छोड़ देना ओपनली, स्टार्ट होगा। यहाँ पे ग्रीन सिग्नल जलेगा, फिर ग्रीन सिग्नल जलने से आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। ये आपका आरपीएम चला जाएगा 15 पे, ठीक है। आपका कम से कम 50 मिनट लेगा, नहीं तो 1 घंटा लेगा रजिस्ट्रेशन होने में। उसके बाद से ये ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा आरपीएम, ठीक है। अब आपका फ्यूल होना चाहिए, फ्यूल देख लीजिएगा, काम करना चाहिए। और यहाँ पे कोई सिग्नल दूसरा नहीं होना चाहिए, तब जाके रजिस्ट्रेशन लगेगा। खाली रजिस्ट्रेशन का सिग्नल यहाँ पे होना चाहिए दो, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये दो होना चाहिए। उसका बाद से आपका ये एड ब्लू कम नहीं होना चाहिए, 2 घंटे से 15 से कम नहीं जाना चाहिए, 15 से 20 से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। कम आने पे आपका वो स्टैंडर्ड सपोर्ट नहीं करता ऊपर से, ठीक है। यहाँ पे होने के बाद से आप सब देख के उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने सकेगा आप, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम आने से यहाँ पे शो करता है कोड, आप कोड भी देख पाएंगे, CPC का आ रहा है, ACM का आ रहा है, यहाँ पे शो करेगा आपका, ठीक है। ये खाली जगह है ना, ये खाली जगह में शो करेगा आपका, ये CPC का आ रहा है, ACM का, ये ABS का, हाँ। ये देख के आप कुछ भी डिफेक्ट लगेगा आपको तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं हम लोग को डिलीवरी, ठीक है।